हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे फ्रेंड्स। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक ना है, मेरी तबीयत खराब है बहुत ज़्यादा। मेरा सर दर्द हो रहा है। तो पहले तो सभी को राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों गाइस, मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। कैसे हो दोस्तों? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ। मेरा थोड़ा सर दर्द कर रहा है दोस्तों, तो उसकी वजह से थोड़ा आपको दिख ही रहा होगा मेरी शक्ल पे। तो सुबह सुबह थोड़ा गर्मी भी हो रही है, तो थोड़ा ग्रेप्स खा लें, भी पिता पापा जी दे गए हैं। तो दोस्तों अभी हम अपनी नहा धो के आ गए हैं हम अपनी किचन में। किचन में हमने बनाई पहले रोटियां। तो आज दोस्तों हम आप लोगों के साथ ये ब्लॉग पंपकिन लाए हैं, कद्दू जिसको बोलते हैं कद्दू, हमारे यहाँ पर कद्दू बोला जाता है। तो बहुत स्वादिष्ट आज कद्दू बनाएंगे दोस्तों। कद्दू रखा हुआ है, तो पहले रोटियाँ बना लें। तो बच्चे चढ़ा रहे हैं, तो उनसे बातें भी करती जा रही हूँ। पहले रोटियाँ बना लूँ, इसके बाद फिर आप लोगों से बात करेंगे। दोस्तों कैसे हो दोस्तों? आई हो बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों, बस थोड़ा सर दर्द कर रहा है और कुछ भी नहीं। थोड़ा भगवान जी के लिए पूड़ियाँ भी सेक दी हैं, आटा रख दिया है, क्योंकि प्रसाद भोग लगाना है उनको, तो कद्दू की सब्जी का भोग लगाएंगे। इसे भंडारे की तरह बनाएंगे इस कद्दू को। आप देख पा रहे हो, ये 1 किलो का कद्दू है दोस्तों, और इसे इंग्लिश में पंपकिन बोलते हैं। चलिए दोस्तों इसकी सब्जी बनाते हैं। तो इसको पहले छीलेंगे, पहले 2 हिस्सों में का भाग काट लेंगे, फिर इसको छीलेंगे। इसके अंदर के जो बीज होते हैं वो भी निकाल लेंगे गाइस। चलिए दोस्तों, तो हम आपको दिखाते हैं ये कैसे बनाते हैं कद्दू को। ये रहा, मैं आपको पता ही है कि मैं इससे काम करती हूँ, क्योंकि कद्दू चाकू से भी कट सकता है, नाइफ से, लेकिन मैं हर इसी से करती हूँ, तो मेरे को आदत है, अपनी अपनी पसंद है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, तो मैं इसको अच्छे से पहले छीलूंगी, इसके अंदर के बीज निकालूंगी। भगवान के प्रसाद के लिए ये बन रहा है। तो दोस्तों पूड़ियाँ तो सिक गई हैं, चलिए कद्दू बनाते हैं, भगवान जी को प्रसाद बनाते हैं। दोस्तों लाइक शेयर सपोर्ट ज़रूर करें। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, शेयर करें दोस्तों। तो ये देखिए, मैंने कद्दू को छील लिया है। फ्रेंड्स, एक दीदी कमेंट में बोली थी कि आप बहुत बोलती हो, तो अगर मैं बोलूँगी नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैं क्या बना रही हूँ, क्या कर रही हूँ? बोलना तो पड़ेगा ही। तो दीदी, ऐसा है कि सब अपने अपने ऐसे होते हैं, किसी को ज़्यादा बोलना पसंद है, किसी को कम बोलना पसंद है, कोई बात नहीं। चलिए आगे बताते हैं दोस्तों। कद्दू को इस तरीके से काटेंगे, मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, बिल्कुल भंडारे की तरह कद्दू बनाएंगे, बहुत स्वादिष्ट। मैंने 2 हरी मिर्चा भी कट ली हैं, 4 से 5 लहसुन की कलियां भी ले ली हैं, बहुत स्वादिष्ट कद्दू बनाएंगे दोस्तों। चाय प्रसाद घर पर ही लगाने हैं, घर पर मैं भगवान को अपने को पूड़ी सब्जी का भोग लगाती हूँ, तो मैं उनके लिए 4-5 पूड़ी निकाल देती हूँ, और जो भी सब्जी बनाते हैं उसका भोग लगा देती हूँ। तो या खीर वगैरह कुछ भी, या व्रत हो तो उस दिन तो फलाहार भी बनेंगे, कुछ फ्रूट्स हो तो उनका भी लगा देती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज कद्दू की सब्जी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। कि ये देखिए, मैंने इस तरीके से मोटा मोटा लहसुन कूट लिया है, और ये मैंने चढ़ा दी गैस पर कढ़ाई। अब मेरी कढ़ाई हो रही है गरम दोस्तों, इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही डालें कद्दू में, थोड़ा, क्योंकि बहुत अच्छे से थोड़ा वो हो जाता है। तो
तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इसमें ऑयल डाल दिए हैं। ऑयल मेरा गरम हो रहा है दोस्तों, आप ब्लॉग में बने रहना। इसमें डालेंगे थोड़ा सा मेथी, थोड़ा सा जीरा, और ये जो कुटा हुआ लहसुन है इसको भी डाल देंगे। ऐसे चलाएंगे इसको धीमे धीमे। इसको चलाएंगे दोस्तों, लहसुन मेरा रेड हो गया। थोड़ा हल्दी पाउडर डाल देंगे, लहसुन को काला नहीं करना, बस रेड कलर में ही भुनना है। अब इसमें नमक डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक डालना है दोस्तों। इस तरीके हल्की सी हींग डाल देंगे। तो ये जो कद्दू है, इसी ऑयल में कद्दू को भूनेंगे। मैंने सारा कद्दू डाल दिया है, इसको अब अच्छे से चलाएंगे। ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा कलर है। अब ये अच्छे से इसी में भुनेगा आराम से। इसमें कुछ पानी वगैरह नहीं डालना होता है, क्योंकि ये ऑलरेडी पानी रिलीज़ करता है। चलिए दोस्तों, तो ये देखिए कद्दू कितना अच्छा दिख रहा है। वो हरी मिर्चा भी कट किए थे, वो भी डाल दिए हैं हम। और ये देखिए दोस्तों हमारा कद्दू, अब ढककर पकाएंगे इसको, बीच में चलाते जाएंगे अच्छे से। बाहर की आवाज़ जो आ रही है, बैकग्राउंड आवाज़, उस पर फोकस ना करें। यहाँ बगल में मेरा दूध भी गर्म हो रहा है दोस्तों, ये 1 लीटर दूध है। इसको भी चलाते जाएंगे, क्योंकि गैस पे पता ही नहीं चलता दूध कब निकल जाता है। ये हम लेडीजों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, दूध निकलना अशुभ होता है। तो ये देखिए दोस्तों कद्दू कितना अच्छा गल गया है। और इसे अच्छा, और जितना अच्छा धीमी आंच पे पकाएंगे, बिल्कुल भंडारी की तरह कद्दू बनेगा, बहुत स्वादिष्ट। आपको पता ही भंडारी की कद्दू कितना अच्छा लगता है। तो इसमें हम चिली पाउडर डालेंगे मोटा मोटा। ये मेरा दरदरा मोटा वो चिली पाउडर रखा हुआ है, तो मैंने इसको भी डाल दिए हैं। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। और इन मसालों को डालकर 5 मिनट ढक पकाएंगे अच्छे से, भून के। ऐसे भूनते जाएंगे, चलाते जाएंगे। आप ढककर भी पका सकते हैं, मैं ऐसे चलाते चलाते पका रही हूँ दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा कलर आया है कद्दू का, बहुत स्वादिष्ट कद्दू बना है। आप भी बनाना दोस्तों, और कमेंट करके बताना कैसा लगा दोस्तों। तो दोस्तों सभी को जय श्री राम। मेरा कद्दू बन के रेडी हो गया, गैस को ऑफ कर देंगे। ओके दोस्तों, तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।